गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गोटेक बहादुर पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर डूइंग मैथ्स ऑफ सिक्स क्लास 3.1 एक्सरसाइज। एज यू नो आई टोल्ड यू येस्टरडे व्हाट आर फैक्टर एंड नाउ आई टेल यू अबाउट मल्टीपल्स। सेकंड क्वेश्चन इज फाइव मल्टीपल्स। हमें क्या करना है? फाइव मल्टीपल्स बताने हैं। किसके बताने हैं? वो हमें एक नंबर दिया होगा, उसके फाइव मल्टीपल्स बताने हैं। मल्टीपल्स यानी कि हम उनके टेबल आगे हम चलाएंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट है फाइव, फाइव के फाइव मल्टीपल्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे? फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा 25। हमें पूछा गया था कि फाइव मल्टीपल्स बताने हैं फाइव के। हमारे ये मल्टीपल्स हो गए फाइव, वो भी फाइव के। ये मल्टीपल्स हमसे फाइव पूछे, हमने फाइव बता दिए। फोर पूछते तो हम फोर बता देते। ये मल्टीपल्स अगर सिक्स पूछे जाते तो हम सिक्स तक चले जाते। इन्हें ही मल्टीपल्स कहा जाता है। इसी से रिलेटेड आपके टू सम हो रहे हैं, वो आपको सेल्फ करने हैं। अब आती है हमारे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है मैचिंग का। वो मैचिंग है, मैं क्वेश्चन नंबर फोर करवा रही हूँ आपको। ऑल मल्टीपल, ऑल मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड, हंड्रेड तक के हमने मल्टीपल्स बताने हैं नाइन के। तो नाइन के मल्टीपल्स हम तब तक लिखेंगे जब तक हंड्रेड से कम हो, हंड्रेड से अबव नहीं आ जाए। नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, नाइन एट जा सेवेंटी टू, नाइन नाइन जा एट्टी वन, नाइन टेन जा नाइनटी। वैसे तो नाइन टेन जा नाइनटी होता है, बट हमने हंड्रेड से कम पूछा है तो अभी नाइनटी नाइन भी आएगा। नाइन इलेवन जा नाइन्टी नाइन, अगर हम नाइन ट्राजा करते हैं तो वन हंड्रेड एट आ जाता है। वो हमने नहीं देना, हमें पूछा है अब टू हंड्रेड तक की देने हैं, वो भी नाइन के मल्टीपल। ये हो जाएंगे हमारे नाइन के मल्टीपल जो कि अब टू हंड्रेड तक के होंगे। नाइन्टी नाइन हंड्रेड से वन लेस है, इससे आगे हमारा हंड्रेड से अब हो जाता। ऐसा हम करेंगे नाइन के मल्टीपल्स में सिर्फ नाइन्टी नाइन तक। इसके बाद है हमारी जो मैचिंग है वो आप सेल्फ करके देखेंगे। आप अपने आप ट्राई करेंगे मैचिंग करने की, ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। फैक्टर होता है, जैसे इसमें आपको दो ही चीज़ें बतानी है, फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल अगर वो उसकी टेबल में आ रहा है, और फैक्टर तो भी वो उसी की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसमें मल्टीपल में हमें टेबल बोलना है, फैक्टर में भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आप सेल्फ करके देखेंगे भी कैसे होगा। ओके, बाय बेटा, थैंक यू, सी यू टुमारो।